दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट्सएप पर मेदांता मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन के नाम पर कोरोना वायरस से जुड़ा एक ऑडियो काफी वायरल हो रहा है। ऑडियो में एक ही शख्स संदेश दे रहा है, हालांकि वो अपना परिचय नहीं देता, ना ही खुद को डॉक्टर त्रेहन बताता है, लेकिन वायरल ऑडियो के साथ एक मैसेज भी काफी वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है कि मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर त्रेहन का ये संदेश प्लीज सुनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे भेजिए। ऑडियो में बोल रहा शख्स कहता है कि उसे इटली, स्पेन और WHO से पर्सनल लेवल पर कुछ जानकारी मिली है, फिर वो कोरोना वायरस के भारत में फैलने की बात कहता है। ऑडियो मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत के लिए 14 अप्रैल 2020 तक का समय बहुत खतरनाक है, इस दौरान अचानक भारत में कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। ऑडियो के आखिर में गुनगुने पानी में नमक डालकर और हल्दी डालकर गरारे करने की बात कहता है। अब हमने इस दावे की पड़ताल की, हमने दावे की सच्चाई जानने के लिए मेदांता मेडिसिटी से संपर्क किया। उनके मुताबिक ये ऑडियो रिकॉर्डिंग डॉक्टर नरेश त्रेहन की नहीं है। इस बारे में मेदांता ने एक ट्वीट भी किया है, लिखा है कि हमारे ध्यान में आया है कि व्हाट्सएप पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसे गलत तरीके से डॉक्टर त्रेहन से जोड़ा जा रहा है। ये ऑडियो मैसेज फेक है, ये डॉक्टर त्रेहन की आवाज नहीं है, ना ही उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहीं ये बात कही है। जहां तक इस ट्वीट में नमक हल्दी को गुनगुने पानी में डालकर गरारा करने का दावा किया गया है, वो भी गलत है। नमक हल्दी से गरारा करने जैसे 25 कथित देसी नुस्खों की जो लिस्ट है वो दी द ललनटॉप ने बनाई है, आप चाहें तो उसे हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। इन नुस्खों से कोरोना वायरस ठीक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कोरोना इनसे ठीक नहीं होने वाला है, आप चाहें तो ये स्टोरी हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। इससे पहले भी डॉक्टर त्रेहन के नाम पर एक व्हाट्सएप वायरल हुआ था, उसमें डॉक्टर त्रेहन की ऑफिस को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि जो PMO है उससे जोड़कर दावा किया गया था कि देश में आपातकाल की घोषणा एक दो दिन में होने वाली है, लेकिन सच्चाई ये थी कि डॉक्टर नरेश त्रेहन ने देश में इमरजेंसी लागू होने जैसी कोई भी बात नहीं कही थी। उस वक्त इंडिया टुडे ने इस दावे का फैक्ट चेक भी किया था, मेदांता को ट्वीट करके इस दावे को खारिज करता हुआ बयान जारी करना पड़ा था। अब कुल मिलाकर के इस बात का नतीजा क्या है, हमारी पड़ताल में नतीजा यही निकला है कि डॉक्टर नरेश त्रेहन के नाम पर वायरल किया जा रहा ये 3 मिनट 16 सेकंड की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें इटली, स्पेन और WHO से पर्सनल लेवल पर जानकारी होना और नमक हल्दी से गरारे करने जैसे नुस्खे बताए जा रहे हैं वो फेक है, गलत है, इसकी पुष्टि खुद डॉक्टर त्रेहन ने ही की है और मेदांता मेडिसिटी के ट्विटर हैंडल पर भी ये स्पष्टीकरण दिया गया है। अगर आपको भी किसी खबर पर शक हो तो हमें मेल करें पड़ताल@gmail.com पर, हम दावे की पड़ताल करेंगे और आप तक सच पहुंचाएंगे। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सर्वत और आप देख रहे हैं दी ललनटॉप। ये पड़ताल हमारे लिए हमारे साथ ही रजत ने की है। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललनटॉप को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट, वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव, अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन, और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललनटॉप।